बच्चों, आज करेंगे पाठ एक के अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास कार्य देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखतो। इसमें कुछ चित्र बने हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देती हूँ। वचन कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। और संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वो होते हैं जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुओं में गिनती होती है। आइए नंबर एक देखिए, शिविका। शिविका मतलब होती है पालकी। यह आएगी स्त्रीलिंग में। एषा, जैसे एषः पुल्लिंग के लिए, एषा स्त्रीलिंग के लिए और एतत् वस्तुओं के लिए लिखा जाता है। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया एषा। एषा है क्या है? स्त्रीलिंग। जी हाँ, तो आपको यहाँ लिखना है नाम शिविका। उसके बाद ख देखिए, जहाज जो है, समुद्री जहाज है वो। ये आएगा एतत्। ये आएगा आपका वस्तुओं में। यहाँ पे आपको लिखना है जल यानम। उसके बाद कार यानम, ये है एतत्, ये भी वस्तु है, तो आपको लिखना है इसका नाम कार यानम। यहाँ पे त्रिचक्रिका बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई है, ये एषा है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। आपको यहाँ पे लिखना है त्रिचक्रिका। अश्व शकटम, ये वस्तु है, एतत् में आएगा। आपको इसका नाम लिखना है अश्व शकटम। क्या देखिए, भारोत्तोलन यंत्रम, ये भी वस्तुओं में आएगा। आपको लिखना है इसका नाम भारोत्तोलन यंत्रम। धन्यवाद। जय हिंद।